अपने आसपास की ताजा तरीन खबरें सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली न्यूज झारखंड और घंटे के बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं इम्तियाज अंसारी, प्रस्तुत है समाचार। भवनाथपुर से हमारे संवाददाता सतीश कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। पति के दीर्घ आयु के लिए सुहागिनों ने रखा व्रत। गुरुवार को प्रखंड भवनाथपुर के विभिन्न स्थानों पर वट सावित्री का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। कोरोना संक्रमण के बाद भी महिलाओं में उत्साह की कमी नहीं थी। हालांकि उस दौरान कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए जारी गाइडलाइन का पालन कई जगहों पर महिलाओं के द्वारा करती देखी गई। भवनाथपुर प्रखंड क्षेत्र में अखंड सौभाग्य व्रत वट सावित्री पूजा का विधि विधान से किया गया। सुहागिन महिलाओं ने अपने पति के लिए लंबी आयु के लिए बरगद के पेड़ के समीप जाकर पूजा अर्चना की। वहीं कई श्रद्धालु महिलाओं ने कोरोना संकट के कारण शारीरिक दूरी का ख्याल भी रखा, घर में ही पूजा विधान का रास्ता अपनाया। जेठे कृष्ण अमावस्या को मनाए जाने वाले इस व्रत में बरगद के वृक्ष का पूजन और परिक्रमा का विधान है। शास्त्रों में कहा जाता है कि वट वृक्ष के जड़ों में ब्रह्मा, तने में भगवान श्री विष्णु और डालियों में भगवान शंकर का निवास होता है। यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए भी परम हितकारी है। प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प करना चाहिए। वही भवनाथपुर के विभिन्न पंचायतों में सुबह से ही महिलाओं में उत्साह एवं वट वृक्ष के नीचे महिलाएं पूजा अर्चना करती देखी गई।